अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। आज मैं आपके सामने हलीम बनाने की तरकीब बताऊंगी इंशाल्लाह। रेसिपी हलीम बनाने के लिए चाहिए, पहले 1 किलो गोश्त चाहिए और आपको चाहिए आधा कटोरा तेल और तकरीबन 1-3 प्याज के दलियां इस तरह फ्राई करके और लाल मिर्च रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टीस्पून चाहिए, 2 टेबल स्पून असली घी चाहिए, 1 टीस्पून काली मिर्च चाहिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, मैं इसमें 3 टीस्पून ली हूँ, और 12 से 15 हरी मिर्च चाहिए और पुदीना चाहिए, 200 ग्राम दही चाहिए और 350 टू 400 ग्राम्स ओट्स चाहिए। इसको मैं ओट्स को भिगो दूंगी और मैं इसमें पोटली का मसाला भी यूज़ करती हूँ, आगे आपको बताऊंगी किस तरह इस्तेमाल में आता है। ये देखिए आप इस तरह इसमें गोश्त डाल दिए और दही और ये मैं तली हुई प्याज भी डाल दूँ, ये थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूंगी, डेकोरेशन के लिए। ये मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँ पूरे इसमें और ये देखिए नमक भी डाल रही हूँ मैं और लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अब इसमें मैं तेल भी डालूंगी, इसमें हल्दी नहीं डलती। ये काली मिर्च और असली घी एंड पे जब गार्नी मतलब ये जब आगे मैं आपको बताऊंगी कब इस्तेमाल होगी वो। और 2 चम्मच अदरक लहसुन भी इसमें डालेंगे और इसको आप पूरा इस तरह से मिला के इसको जो है ये गैस ऑन कर लीजिए। ये आप कुकर बंद कर दीजिए, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको 1-2 मिनट इसको तेज फ्लेम पे चलाएंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे 7-8 मिनट के लिए। तो अब हम इसको ये ओट्स को जो है कुकर में डालेंगे, इसको हम दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये ओट्स के ऊपर तक आना चाहिए पानी, तकरीबन आधा बॉटल लगेगा पानी। ये देखिए आप ओट्स के ऊपर तक आना चाहिए पानी, तकरीबन आधे से ज्यादा बॉटल लगेगा पानी का। अब हम इसको दूसरे चूल्हे पे धीमी आंच पे चढ़ा देंगे। अब देखिए हम ये जो पोटली का मसाला इस तरह मिलता बाजार में, इसमें से हमसे किसका ये जो इस तरह का ये जो इसके जड़ आते हैं इसको हम डालेंगे और ये पत्ता डालेंगे। हम इस बॉईल करेंगे, बॉईल करके रखेंगे। फ्लेम कम करूंगी मैं। अब ये देखिए ये ओट्स भी अच्छे खासे गल गए हैं, इसको अपन हम साइड में रख लेंगे, इसको मिक्स करके अच्छे से। ये हम इसमें पोटली का मसाला भी पानी में डाल दिए बॉईल होने के लिए, ये इसको अच्छा 2-3 उबाल आने के बाद इसका चूल्हा बंद करेंगे हम। ये देखिए इस तरह अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हम ये दलिये को ये ओट्स को इसमें शिफ्ट करेंगे। ये पानी जो था इसका पोटली के मसाले का वो मैं इसमें डालूंगी। ये इसको इस तरह मिला लेंगे। अभी देखिए आप ये कुकर अभी स्टोव पे है, चूल्हे पे ये तकरीबन 15 मिनट से है धीमी आंच पे और 1-5 मिनट में रखूंगी, उसके बाद फिर कुकर खोलूंगी। अब हम इसको इस तरह से खोल देंगे। अब आप देखिए ये इस तरह तेल ऊपर आ गया, इसको ये गोश्त है हम इसको ग्राइंडर में हल्का सा पीस के ये दलिये में मिला लेंगे, दलिये में मिलाएंगे। अभी मैं आपको पीस के बताती हूँ।
देखिए इस तरह इसको पीस लिए हम ग्राइंडर में इस तरह से। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये गोश्त पीस के मैं इसमें डाल दी और ये जो इसका तेल और थोड़ा मसाला बचा हुआ था ये भी इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे दाल घोटने की मदद से, घोटा अच्छा देंगे। अब मैं इसको छोटे भगोने में शिफ्ट कर ली। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी पाउडर जो रखे थे, और कोथमीर हरा धनिया डालूंगी और पुदीना डालूंगी और घी भी डालूंगी और ये नींबू का रस भी डालू। अब मैं इसको गैस पर रख दूंगी हाई फ्लेम पे और इस तरह से इसको भूनते रहूंगी। अब जितनी देर तक इसको इस तरह भूनेंगे उतना ज्यादा मजेदार बनेगी आपके हलवे। देखिए अब आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए कि अगर नमक मिर्च बराबर है या कम है। अगर कम है तो आप थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर सकते और थोड़ा सा नमक। नहीं सब बराबर है। देखिए ये इस तरह इसमें अच्छी तरह ये पक रही है और तकरीबन मैं 10 मिनट से इसको भूख रही हूँ। अब ये हलीम पक के रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। चलिए ये हलीम तैयार हो चुकी है। आप जिस तरह चाहे अपनी मर्जी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और आप यहाँ एक्स्ट्रा भी थोड़ा रख सकते हैं नींबू वगैरह, अगर कोई अलग से भी डाल के खाना है तो खा सकते। आपको ये अगर रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआओं में याद रखिए।